दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने वन प्लस 11 पे किसी भी ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं और उसे अपने डेलर से उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ मैं हैश और अपना कोड डालता हूँ तो देखिए मेरे हिडन ऐप्स यहाँ से ओपन हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने वन प्लस 11 पे किसी भी ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं और अपने डेलर से हिडन ऐप को ओपन कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप वन प्लस से रिलेटेड वीडियो देखते रहें। दोस्तों, आपको वन प्लस 11 या किसी भी वन प्लस में आपको ऐप को हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए बता देता हूँ उसे ऑन कैसे करते हैं। उसको ऑन करने के लिए आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपको, यहाँ पर अगेन राइट साइड में एक प्राइवेसी ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको हाइड ऐप का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करने को कहा जाएगा, तो आप पासवर्ड अपना सेट कर लें। इसके बाद इस तरह से ओपन हो जाता है और यहाँ से सारे ऐप ओपन हो जाते हैं जिनको आप लॉक करना चाहते हो। तो यहाँ से उन ऐप को इस तरह से ऑन करते हुए इस तरह से उसे हाइड कर दें। इसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको एक पास कोड सेट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने डेलर से, फ़ोन के डेलर से उस पास कोड को टाइप करके अपने हिडन ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको इस प्रकार से पास कोड सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप अपने लिए कोई भी पास कोड सेट कर सकते हैं जो कि हैच से शुरू होगा और हैच से ही इंड होगा। देखिए मैंने अभी नया पासवर्ड सेट किया, इसके बाद ओके कर दें, डन कर दें। इसके बाद अपने मोबाइल के डेलर में चले जाएं और उस पासवर्ड को टाइप करें जो आपने सेट किया था। इस टाइप करते ही आपके सारे हिडन ऐप यहां से आ जाएंगे। इसके बाद इनको आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का फीचर है। उम्मीद करूँगा आपको ये टिप्स अच्छा लगा होगा, आपके लिए काम की वीडियो होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।